हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यू बॉर्न बेबी के यानी कि नवजात शिशु के फेस को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चे के फेस को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को पहला बाथ कब और कैसे देना चाहिए, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है बच्चे के फेस को क्लीन करने का। वेल, आप लोग जानते हो जब तक बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाभि नाल ठीक नहीं हो जाता है, तब तक बेबी को स्पंज बाथ देना ही बेहतर है, बजाय उसके जो हम प्रॉपर बाथ टब में या फिर बेथिंग चेयर पे या नॉर्मली अपने पैरों पे बिठा के उसको देते हैं। तो जब आपको स्पंज बाथ देना है, उससे पहले आपको बच्चे का फेस को क्लीन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साफ और क्लीन आपको टॉवल चाहिए जिसपे आप बच्चे को लिटा दीजिए। लिटाने के बाद उस टॉवल को आपको बेबी के ऊपर कवर कर देना है। देन आपको कुछ कॉटन बॉल्स चाहिए और हल्का गुनगुना पानी चाहिए। सबसे पहले आप कॉटन बॉल लीजिए। कॉटन बॉल को बच्चे की आंख, एक कॉटन बॉल से एक ही आई को आपको क्लीन करना है, ना कि दोनों आईज को क्लीन कर देना है, क्योंकि बच्चे का उस टाइम तक टियर डक्ट जो होता है वो ओपन नहीं हुआ होता है, बच्चे के आंखों से पानी आ रहा होता है, गंदगी हो सकती है। तो आपको एक कॉटन बॉल से एक ही आई को क्लीन करना होता है। तो सबसे पहले आपने उसको डिप किया, डिप करके बच्चे की एक आंख को क्लीन किया। देन दूसरी कॉटन बॉल लेना है, उससे दूसरी आंख को क्लीन करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक कॉटन बॉल लेनी है, उसको बच्चे के नोस्ट्रल्स पे हल्के 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 हाथ से उसको क्लीन करना है। इसके बाद बारी आती है बच्चों के कानों को क्लीन करने की। तो आपको एक बेबी टॉवल या फिर कोई भी क्लीन कपड़ा आपको लेना है, उसको हल्का सा डिप करना है पानी में, वार्म वाटर में। उसके बाद बच्चों का जो अंदर का एरिया है, बाहर का यहाँ पे, उसको क्लीन करना है। उसके अंदर तक आपको हाथ डाल के उसको क्लीन नहीं करना है, ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद जो बच्चे के कान के बाहर का एरिया है, इस साइड में, उसको क्लीन करना है। इसके बाद बच्चे का पूरा फेस, उसके चीक्स, उसकी नोज, फोरहेड और उसके चिन को क्लीन कर देना है। इसके बाद बच्चे के फेस को अच्छे से एक साफ से कपड़े से या बेबी टॉवल जो होती है उनसे प्रॉपरली उसको ड्राई कर देना है, बच्चे को गीला नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी अमाउंट चैनल। बाय बाय।